मैं माननीय सदस्य से फिर आग्रह करूंगा कि वह संक्षिप्त में अपनी बात को कहें। श्री हनुमान बेनीवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर आज आप इस सर्वोच्च पद पर विराजमान हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और पूरी आरएलपी पार्टी की तरफ से और पूरी राजस्थान की जनता की तरफ से, पूरे देश के नौजवानों की तरफ से आपको बारंबार बधाई देता हूं। आप राजस्थान की विधानसभा के अंदर दो बार मेरे साथ विधायक के रूप में विराजमान हुए और एक बार आपने जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय जब किसानों जवानों पे अत्याचार हुए तो आपने सड़कों से लेकर विधानसभा तक मजबूत लड़ाई लड़ी। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में बताया कि आप छात्र जीवन से विधानसभा और विधानसभा से लोकसभा और लोकसभा से लोकसभा के अध्यक्ष के पद पे विराजमान हुए, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। आज राजस्थान की मिट्टी धन्य हो गई, देश के जवान धन्य हो गए, सब अपने आप को ये आसान महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ओम बिरला जी जो यूथ आइकन के रूप में जाने जाते थे राजस्थान के अंदर, आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया के रूप में आप विराजे हैं। निश्चित रूप से हमारी जो छोटी पार्टियां, वैसे तो हम सत्ता पक्ष के साथ एनडीए के घटक दल के रूप में हमेशा सपोर्ट सरकार को करते रहेंगे, लेकिन जहां जवानों किसानों के मामले आएंगे तो आप हम छोटी पार्टियों को भी संरक्षण देंगे। आज पूरा राजस्थान गौरवान्वित है और पुनः प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी दोनों को इस बात का धन्यवाद हमारी तरफ से कि इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इस देश ने जब सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से जब कल जानकारी मिली कि ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे तो हर कोई इस बात को लेके बहुत ज्यादा खुश था कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने छात्र जीवन से लेके विधानसभा और अब लोकसभा और लोकसभा के अंदर भी लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर संघर्ष, जिसने सड़कों से लेके राजस्थान की सड़कों से लेके विधानसभा और लोकसभा के अंदर अच्छे पार्लियामेंटर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वो देश के सर्वोच्च लोकसभा अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए, तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर हर्ष का माहौल है। और ये जो मेरे साथ राजस्थान के सांसदगण विराजमान है, रामचंद्र बोरा जी, राहुल कसवान जी, मान जी अरविंद, एक मिनट इनका भी साथ ही दे दूं साहब, नहीं तो अलग पर्ची भेजेंगे आपको, अरविंद शर्मा जी, नियाल जी, सीपी जोशी जी, बालकनाथ जी, इन सब की तरफ से भी बधाई, सारे राजस्थान के सांसदों की तरफ से बधाई। आप हमारा ध्यान रखना और हम सब मिलके एक नए देश का निर्माण करेंगे और मोदी जी के सपनों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।